पढ़ाई हो रही है, पढ़ना तो है और अच्छे से पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि एकांत जो अकेलापन होता है वो जो नासमझ लोग होते हैं उसे लगता है कि बहुत बड़ी सजा मिल गई है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं उसे मौका समझते हैं। आप अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़िए, लोग महापुरुषों की जीवनियाँ निकाल करके पढ़िए। अगर पुस्तकें नहीं तो मोबाइल है ना, गूगल पर सर्च कीजिए, APJ कलाम की जीवनी पढ़िए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़िए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। कुछ ना कुछ तो प्रेरणा मिलेगी मिलेगी, और कुछ नहीं तो शिव खेड़ा की पुस्तक आप क्या नहीं कर सकते वो सर्च कीजिए, उसमें बहुत चीज़ सारी प्रेरणा की चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। बच्चों तो बच्चों आज मैं आप लोगों को सबद चैप्टर 9 पद्य चैप्टर 1 और गद्य पुस्तक में आपका चैप्टर 9 है उसमें से मैं आज आप लोगों को सबद से पैसेज देने जा रही हूँ, पैसेज के प्रश्न देने जा रही हूँ। और अगले वीडियो में आप लोगों को पैसेज का सबद का दूसरा पैसेज देने जा दूंगी। तो देखिए बच्चों आप लोगों का प्रश्न है, इसे अच्छे से उतार दीजिए। ये मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाकर्म में ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली है पल भर की तलाश में। इसका आपका प्रश्न हो गया कवि और कविता का नाम लिखिए। आप साखी में लिख चुके हैं, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं। खा मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, ये आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। ग क्रियाकर्म से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। घ क्रियाकर्म न तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग्य, तो क्रियाक्रम मैंने आप लोगों को बताया था कि पूजा पाठ करने की बहुत सारी विधि अपनाते हैं लेकिन हृदय में मानवता की भावना नहीं, तो वो क्रियाक्रम आपका है। खोजी खोजी कौन होता है, उसे कौन कब मिल जाता है, मतलब खोजी हो तो तुरंत ही मिले कलवर की तलाश में, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। कवि के ईश्वर का ईश्वर कवि ने ईश्वर का वास कहाँ बताया है। तो बच्चों कवि ने ईश्वर का वास कबीर ने ईश्वर का वास सब श्वासों की श्वास में बताया है। तो बच्चों ये आज के आपका पैसेज का ये आप लोग लिखोगे, ये पैसेज है आप लोगों का और ये आप लोगों का होमवर्क भी है। ये डू आंसर्स ऑफ सबद 1 चैप्टर 9। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।